नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य से बाहर भी दिखेगा बिहार का पर्यटकीय स्थलों का दृश्य। लगातार पुरवैया हवा के प्रवाह से लोगों का हाल बेहाल। नगर निकायों में गठित वार्डों के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को थोड़ा और करना होगा इंतजार। देश भर में कोरोना रिकवरी दर में हुई बढ़ोतरी। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य से बाहर भी दिखेगा बिहार का पर्यटकीय स्थलों का दृश्य। बिहार से बाहर भी अब बिहार के पर्यटकीय स्थलों की जानकारी मिल सकेगी। बिहार के पर्यटन विभाग ने इसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने राज्य के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए विभागीय समीक्षा बैठक की। इस बाबत अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री ने इस बैठक में राज्य के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा है कि देश भर के पर्यटन स्थलों की रिपोर्ट तैयार करें। इसके बाद उन सभी राज्यों के पर्यटन मंत्रियों को पत्र भेजकर वहां के पर्यटन स्थलों पर बिहार के संबंध में जानकारी देने का आग्रह किया जाए। बिहार के विभिन्न जिलों में कई पर्यटन स्थल है जिसे विकसित किया गया है। इन सभी पर्यटन स्थलों तक पहुँच पथ जून तक बनाने का निर्देश दिया गया है। घरेलू गैस की कीमतों में नहीं मिली राहत। पिछले कुछ महीने से घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। हालांकि इन दिनों कुछ राहत जरूर मिली है। जहां कुछ दिन पहले उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए गैस की कीमतों में 200 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी, आज महीने की पहली तारीख है और उपभोक्ताओं को उम्मीद जगी थी कि घरेलू गैस की कीमतों में आज कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गैस कंपनियों ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर कीमत में 135 रुपए की कमी कर दी है। मालूम हो कि महीने में पहली बार 7 मई को 50 रुपए बढ़ाए गए थे और 19 मई को भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि की गई थी। लगातार पुरवैया हवा के प्रवाह से लोगों का हाल बेहाल। खासकर दक्षिण बिहार के जिलों में इन दिनों जला देने वाली गर्मी और पिघला देने वाली गर्मी पड़ रही है। लोगों को जल्द से जल्द मानसून आने का इंतजार है जो कि संभावित 15 जून तक आने की उम्मीद है। हालांकि इस साल जून से सितंबर तक बिहार में मानसून की सक्रियता सकारात्मक रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भी बिहार में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार है। विशेष रूप से राज्य के उत्तर पश्चिम इलाके में सामान्य से 5 से 75% तक अधिक बारिश हो सकती है। सिर्फ एक दो जिले में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। वहीं बिहार में भी अभी लगातार पुरवैया हवा चलने से उमस भरी गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। नगर निकायों में गठित वार्डों के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया कल से होगी शुरू। बिहार के 11 जिलों के 14 नगर निकायों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के गठन एवं 30 जिलों के 84 नगर निकायों में गठित वार्डों के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया 2 जून से शुरू की जाएगी। नगर निकाय यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसको लेकर आयोग की तरफ से एक और बोर्ड गठन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही मतदाता सूची बनाने की कार्रवाई भी जारी है। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे चरण में 11 जिलों के 14 निकायों के वार्ड के गठन को लेकर कार्यक्रम तय कर दिया गया है। साथ ही इससे जुड़ी जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। आज से बालू खनन का काम हुआ बंद। बिहार के 16 जिले में चल रहे बालू खनन का काम आज से बंद हो गया है। जिस भी नदी घाटों की बंदोबस्ती की गई थी उसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी बंदोबस्तधारियों से 31 मई तक की राजस्व लेने का काम किया था। ऐसे में आज से इन घाटों की बंदोबस्ती खत्म हो गई है। अब नए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी DSR के आधार पर जिला प्रशासन के माध्यम से सभी 38 जिले के नदी घाटों की फिर से बंदोबस्ती होगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इससे पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार हर साल जुलाई से सितंबर तक नदियों में बालू खनन प्रतिबंधित था। अब नए आदेश के अनुसार बालू खनन करीब 4 महीने तक बंद रहने की संभावना है। हालांकि इस समय अवधि के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में पर्याप्त मात्रा में बालू की उपलब्धता का दावा किया है। हालांकि फिर से बालू खनन शुरू नहीं होने तक राज्य सरकार को राजस्व नहीं मिल सकेगा। ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को थोड़ा और करना होगा इंतजार। वर्षों से ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे बिहार के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक का सपना एक बार फिर टूट गया है। हालांकि यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, बशर्ते उन्हें 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी होने तक का इंतजार करना होगा। 2 साल से सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर काम कर रही है। शिक्षक 2012-15 से ही ट्रांसफर की बाट जोह रहे हैं। इस बीच महिलाओं और दिव्यांगों को सबसे ज्यादा कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। कमोबेश 2 लाख से ज्यादा शिक्षक ट्रांसफर की जो है रहे हैं और दरअसल शिक्षा विभाग ट्रांसफर के लिए महीनों से सॉफ्टवेयर तैयार करने में लगा हुआ है। यही बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर की तैयारी अंतिम चरण में है और जल्द ही शिक्षकों को ट्रांसफर दिया जाएगा।
लालू यादव की बैठक में इन अहम मुद्दों पर हुई बात। बिहार में होने वाली राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक पार्टियों में खलबली सी मच गई है। सोने पर सुहागा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बिहार में ही मौजूद हैं। लालू यादव ने बीते दिन महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक समाप्त होने के बाद राजद MLC भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजद ने पूरे बिहार में 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वहीं इस बैठक में महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर कैसे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। इसके क्रियान्वयन के लिए राजद सुप्रीमो लालू ने नेताओं को निर्देश दिया है कि विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आंदोलन होगी। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होनी है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत हावी है। इस साल संभावित बाढ़ में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के लिए अभी से ही अलर्ट हुई स्वास्थ्य विभाग। मौसम विभाग के अनुसार यह कहा जा रहा है कि इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के अधिकतर जिलों के लिए खतरा है। इसके बाद कई बीमारी बिन बुलाए आ जाती है। ऐसे में संभावित जल जमाव और जल जनित बीमारियों के उत्पन्न होने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी जिलों में विभाग के वरीय पदाधिकारियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सीय प्रबंधन, जरूरी सामग्रियों और दवा भंडारण की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दे चुके हैं, ताकि बाढ़ से प्रभावित लोगों का ससमय समुचित इलाज संभव हो सके। जिलों और प्रखंडों के स्वास्थ्य संस्थानों में जिन दवाइयों को उपलब्ध कराया जाएगा उनमें सांप काटने की दवा, कुत्ता काटने की दवा, ORS पैकेट, जिंक टैबलेट, होलोजन टैबलेट इत्यादि दवाएं, ब्लीचिंग पाउडर और लाइम आदि सामग्रियां शामिल है। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री क्या लेंगे निर्णय, बिहार में आज वो आखिरी दिन आ गया है जहां पर सभी राजनीतिक दलों को इंतजार था। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में की जाने वाली जातीय जनगणना की मांग को लेकर सर्वदलीय बैठक की। अंततः बिहार के मुख्यमंत्री ने आज जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुला ही ली। ये बैठक आज शाम 4 बजे से हो रही है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में ये बैठक निर्धारित की गई थी। इसमें विभिन्न दलों के नेता शामिल होने वाले थे। सभी दलों के नेताओं की सुविधा को ध्यान में रखकर यह तारीख तय की गई थी। मालूम हो कि जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव की पहल पर ही पिछले साल 23 अगस्त को नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से शिष्टमंडल मुलाकात हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया। अब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक कर इस पर फैसला लेने की बात कही है। ऐसे में इसमें क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। अगले 30 सालों तक तेजस्वी यादव के हाथों में होगी राजद की बागडोर। जैसा कि सभी को पता है कि आजकल राजद सुप्रीमो की तबीयत सही नहीं रहती और अब पार्टी के फैसले लेने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह जाने में सक्षम भी नहीं है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बाद अब राजद सुप्रीमो के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को नीतिगत जिम्मेवारियां लेने की अब बारी है और अब वो तैयार है। दरअसल बीते दिन राजद की हुई बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए ये निर्णय दिया है कि विधायकों के नेता तेजस्वी यादव के निर्देश में ही सारे निर्णय लिए जाएंगे। बीते दिन राबड़ी आवास से निकलते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने मीडिया से कहा कि जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना नेता मान लिया है। अगले 30 सालों तक तेजस्वी बिहार की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल से की विशेष मुलाकात। बीते दिन मंगलवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और काफी समय तक उनकी बातचीत हुई। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों राज्यपाल से अलग अलग समय में मुलाकात करते देखे गए और ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर उन लोगों की क्या बात हुई है। दरअसल पहले जीतन राम मांझी ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने राज्यपाल से मुलाकात की। चर्चा ये भी है कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने की तैयारी हो रही है। इसी सिलसिले में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने राज्यपाल से मुलाकात की है। सर्वदलीय बैठक से पहले गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। जातीय जनगणना को लेकर आज मुख्यमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। वहीं जातीय जनगणना को सर्वदलीय बैठक शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की भी जातीय जनगणना कराई जाए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकास के एजेंडे में ले गए हैं। देश का अगर बजट 2014 में 16.5 लाख करोड़ का था तो आज 37.5 लाख करोड़ तक गया है, लेकिन कई लोग समाज में अपने एजेंडे को चाहते हैं तो आज की तारीख में देश में धर्म परिवर्तन का एक सख्त कानून होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बिहार सरकार से जो जातीय जनगणना की बात की जा रही है, मैं जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसमें मुसलमानों को भी जात की श्रेणी में रखना चाहिए क्योंकि ये लोग भी फायदा लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार से निकाला जाए। देश भर में कोरोना रिकवरी दर में हुई बढ़ोतरी। देश भर में कोरोना वायरस के 2745 नए मामले दर्ज किए गए। साथ ही पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले
24 घंटे में कुल 2236 डिस्चार्ज हुए, जिससे कुल रिकवरी दर लगभग 98.74% है और कुल रिकवरी डेटा की संख्या 4,26,17,810 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड 19 के कुल सक्रिय मामले पहले बढ़कर 18,386 हो गए हैं। देश भर में कल कुल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 17,883 थी। प्रधानमंत्री मोदी ने गायक कृष्ण कुमार के निधन पर जताया शोक। बॉलीवुड के मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केके की मंगलवार रात हार्ट अटैक से निधन हो जाने की खबर मीडिया में आई। कृष्ण कुमार के निधन के बाद अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केके महज 53 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। जानकारी के मुताबिक एक कॉलेज द्वारा दक्षिण कोलकाता स्थित नजरुल मंच में एक समारोह का आयोजन किया गया था। इसी समारोह में शिरकत करने के लिए केके यहां आए थे। गायक के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नत के असमय मृत्यु की खबर सुनकर दुखी हूं। उनके गीतों में व्यापक भाव प्रदर्शित होते हैं। हम उन्हें सदैव उनके गीतों के माध्यम से याद करेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। माही ने एक बार फिर जीता दिल। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है। इसके बावजूद टीम की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है धोनी। धोनी के फैंस उन्हें बहुत ही चाहते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि वो भी अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाल ही में धोनी अपनी एक दिव्यांग फैन से मिलने पहुंचे। धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें वो अपनी एक दिव्यांग फैन से मिलने पहुंचे हैं। दिव्यांग बच्ची लावण्या बचपन से ही धोनी की फैन रही है और वो उनसे मिलना चाहती थी। माही ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की और खुद ही मिलने पहुंच गए। लावण्या ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका वीडियो और फोटो शेयर किया है। लावण्या ने लिखा कि धोनी से मिलने की फीलिंग शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। वो बहुत ही स्वीट और सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। उन्होंने जिस तरह से मेरे नाम की स्पेलिंग पूछी, मुझसे हाथ मिलाया और बोले कि रोना नहीं है। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे। उन्होंने स्केच के लिए मुझे थैंक यू कहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है दिलीप राम, सलीम भाई, नुनू कुमार, पूनम कुमारी, मनोरंजन मधुकर, सचिन कुमार, मृत्युंजय कुमार, महेश दास, कल्याणी चौधरी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके पसंदीदा क्रिकेट प्लेयर कौन है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।